और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। किंग में हूं मैं, अंदर चलता हूं फिर आपको दिखाता हूं। ये चेक करें, अभी आप ये बाहर से चेक कर लें, बहुत पुराना है यार ये तो। मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूं, मैं वो गया हुआ हूं उधर कैंट स्टेशन जो है ना उस जगह, तो ये मैं देखें भाई बहुत पुराना है तो शूट भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये ट्रेन हैं, इनकी हालत बहुत ही खस्ता है, खस्ता हाल है। वो देखें शूट चल रहा है, अंदर चल के देखें क्या होता। तो हम लोग कहाँ से देखते हैं इस टाइम में, पता तो नहीं अब ये कितना टाइम, बहुत टाइम पुराना है। ये चेक करें, ये अंदर रख रहे हैं सारा सामान, मज़दूर वगैरह मिल के ना, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो वो रख रहे हैं। चेक करें जी, ये स्टेशन, ये रिजर्वेशन रूम है, मतलब जहाँ से आप अपनी टिकट्स रिज़र्व करवा सकते हैं। ये छोटे छोटे देखे रूम अंदर बने हुए, ये आई थिंक इसमें रिहाइश वगैरह होगी, तो ये रिहाइश भी मिलती है ना स्टेशन पे, तो इसमें होगी। अभी तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ भी हो। आइए आगे चल के देख लेते हैं, ये एक बिल्डिंग है इसके सामने, पता नहीं ये किस चीज़ की। यहाँ ये चंडीगढ़ रोड पे बना हुआ है, तो ये देखें ये इस तरह से, इसके अंदर जो है ना रूम्स होंगे, रूम नहीं मतलब ऐसे हॉल होता है, उसमें चारपाइयाँ बिछा के, तो वो एंट्रेंस है, वहाँ से हमें आए थे अभी, और वहाँ से ऐसे मतलब मुझसे राइट साइड में मुड़ गए। तो देख रहे हैं आप, चलें अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं अंदर जाके कि कैसा बना हुआ है और क्या सीन है। शूट है हमारी यहाँ पे, तो शूट की वजह से कुत्तन भी पड़े हैं। एंट्रेंस वो भी है यार सामने, आई थिंक हम वहाँ से आए थे, तो ये इसके अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या सीन है। तो यार ये बहुत पुराना बना हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना, तो इसकी हालत भी वैसी पुरानी है। ये देखें, ये चेक करें कि टिकट विकेट्स ये सब यहाँ से लेनी होगी। ऊपर हालत देखें भाई, बहुत पुराना ही है। ये देखें ये ट्रेन है ठहरी हुई, ट्रेन की हालत चेक करें। ये देखें ये आई थिंक चलने वाली नहीं है, ऐसे पुरानी है। ये देखें यार ये ऐसे रुकी हुई है, पता नहीं ये वर्किंग में, क्योंकि वहाँ से टिकट्स तो ले रहे थे ना। ये देखें ये हमारी वो शूट कर लाइटिंग वगैरह हो रही है, आपको नज़र आ रही होगा, तो शूट भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये ट्रेन हैं, इनकी हालत बहुत ही खस्ता है, खस्ता हाल है। वो देखें शूट चल रहा है हमारा, तो इस तरह से भाई यहाँ पे, इस तरह से भाई यहाँ पे शूट होते हैं, तो बहुत मेहनत होती है। आप जो आप लोग तो देख लेते हो ना ऐसे ही। ये देखें ये बंद पड़ी है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, हैं तो वैसे सही बनी। अंदर ये पंखे वंखे लगे हुए हैं, ये लाइटें बड़ी हैं, ये SFESN हमारे डायरेक्टर हैं, और आज हम वहाँ पे स्टेशन दिखा। इस तरह से यहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है। ये देखिए यार ये क्या सीन है, तो बंद ये सब, तो फिर ये कैसे क्या सीन है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आज अंदर चल के देखते, वीडियो नहीं बनाओ, अबे वीडियो नहीं बनाए तो कैसे होगा, आप लोग देखोगे कैसे। ये मतलब ये ट्रेन अच्छी बनी हुई है अंदर से, आपको मैंने दिखाया ना, अंदर से दिखाया ना, ये अच्छी बनी हुई। हमारा ऑफिस आई थिंक इधर ही गई होगा यार, पुराना तो है लेकिन पुराने की भी अपनी बात है। देखें पुराने दौर में जो चीज़ें ये भाई ना होती, तो इसको रिपेयर कर दिया होता तो हम लोग कहाँ से देखते।
इस टाइम में पता नहीं अब ये कितना टाइम, बहुत टाइम पुराना है ये ट्रेनें, मुझे नहीं लगता कि चलती वलती भी होंगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो ये पटड़ियाँ बनी हैं। ये देखिए जिस तरह से साथ साथ घर हैं, और ये देखिए मालगाड़ियाँ यहाँ पे ठहरी हुई हैं, हर चीज़ ठहरी है भाई, चल तो कुछ भी नहीं रहा, पता नहीं चलता भी होगा, ये ऊपर कोई रोड वोड बनी है। ये चलती हैं ट्रेनें, मैंने चलती है यहाँ से ट्रेन ये जो तीन चार ठहरी हैं बंद, अच्छा तो भाई अंकल तो बोल रहे हैं कि चलती है यहाँ से, तो देखते हैं, लग तो नहीं रहा, जो इनकी हालत है उससे तो नहीं लग रहा, जो हालत है ट्रेनों की उससे तो नहीं लग रहा कि चलती होगी ये जो ट्रेनें जो बनी है चलती हैं। चले अंकल बोल रहे तो मान लेते हैं, लेकिन लगता तो नहीं है वो चलती है ये। 12 seconds later. एक वहां से थी और एक ये पाकिस्तान रेलवे, ये भी यार सस्ता हाल है बहुत यार भाई, तो ये कैसे चलेंगी? और देखें ऐसे यहाँ पे ठहरे हुए हैं मालगाड़ी, ये मालगाड़ी, ये मालगाड़ी, ये स्टेशन, ये इंतज़ार गए, यहाँ पे गाड़ी आके रुकती, यहाँ से तो अभी यहाँ पे पता नहीं, ये ऐसे आती है आगे तो स्टेशन है सीधा सीधा, तो आगे बंद हो जाता है, तो ये कैसे जाते होंगे समझ में नहीं आ रहा कुछ यहाँ। हाँ इस जगह आके पता लग रहा है कि भाई ट्रेन जाती होगी, चलती होगी, क्योंकि यहाँ पे ये टक शॉप्स वगैरह बनी हुई है। ये देखिए अंदर से ट्रेन कुछ इस तरह जैसे लोकल होती है, तो ये लोकल ही है। आया था मैं वो UPL की, ये चंडीगढ़ रोड जहाँ से हम आया, ये UPL बैंक की मेन ब्रांच है, ये HBL की मेन ब्रांच है, ये HBL अक्सर आपने ड्रामों में देखा होगा, ये नज़र आती है। तो इस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस हैं, ये MCB की है, ये MCB, तो ये देख रहे हैं आप, ये बीच में ये देखें, ये ऊपर चढ़ने की जगह बनी हुई है, ये आई थिंक यहाँ से चढ़ के आप ट्रेन में बैठ सकते हैं, तो ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो यार सही है वैसे, सब मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, UPL, HBL, MCB और स्टेशन देख लिया आपने, मैंने भी देख लिया। अब ये सामने भी रूम बने हुए हैं, अब ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे ऐसा कोई बंदा भी नहीं है कि जिससे मैं पूछ सकूँ कि भाई ये क्या बना हुआ है, ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, यहाँ सब मुसाफिर ही नज़र आ रहे हैं, और मुसाफिर भी 5-6 हैं भाई, बहुत रश है कोई घर ही नहीं जाता ट्रेन पर चले आज ये कुछ अच्छा नज़र आता है तो फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा यार वहाँ से सीधा पटड़ी आए तो ये पता नहीं, ये देखिए बम्बू बने हुए हैं ये दो, अभी ये होगा कि क्या पता, ये तुमसे ना हो पाएगा, बिल्डिंग में ना ट्रेन घुस जाए उसको रोकने के लिए, या यहाँ पे तो ऑयल ही ऑयल पड़ा है, तो ये कोई ऑयल का सीन है या जो भी है, तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये देखिए, अरे कहना क्या चाहते हो, बब्बू गार्डन, ऐसे लग रहा है अभी इनमें से तोप निकलेगी और सीधा जाएगी ऐसे छू यार ये ट्रेनें जा रही हैं भाई, अभी ये जो मैंने आपको जगह दिखाई थी वहाँ पे ट्रेन आई हुई है, तो ये आई थिंक देखें ये जा रहे हैं लोग, तो सही है यार ये जा रही है, चल भी रही है ना, मुझे लगा था कि यहाँ से जाती नहीं है, ये इसको रोकने के लिए मतलब वहाँ से ये सीधा रिवर्स ले के आता है, मुझे लगा था कि ये पता नहीं आगे सीधा आते कैसे, ये देखिए चल रहे हैं, तो सही है। इसमें बैग बैग में ये इंजन है यार, आपको नज़र आ रहा हो क्या? तो ये कि लोग जा रहे हैं भाई, यहाँ से ट्रेनें जा रही हैं, मुझे लगा था कि बस ये ऐसे ही स्टेशन ही है, लेकिन नहीं, चलें ये ट्रेन अभी जा रही है सर सैयद एक्सप्रेस,
ये देखिए हम अभी पता नहीं रोजे के टाइम पे निकलेगी यहाँ से। चले आगे कोई अपडेट आती है तो बताता हूँ मैं आपको। ये देखें यार मालगाड़ी में सामान रखा जा रहा है, अंदर जो मालगाड़ियाँ जा रही होती हैं तो इस तरह से उनमें सामान होता है। ये चेक करें, ये अंदर रख रहे हैं सारा सामान मजदूर वगैरह मिल के ना, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो वो रख रहे हैं। ये देखें ये सब सामान इसमें जाएगा, ये इसलिए इस तरह से टैंक होते हैं ना तो आहिस्ता 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 चल रही होती है। ये देखें ये मालगाड़ी खुली है, वो उस साइड भी इस साइड भी सारा सामान ही रखा जा रहा है। ये देखिए वो सामान उठा के जा रहे हैं रखने के लिए। तो ये अभी एग्ज़िट है, यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। ले जी ये शारे फैसल और फुल जाम, अफ्तारी का टाइम निकल गया। अभी रास्ते में एक पानी की बोतल मिली, उसी से इफ्तारी की। ये दो घूंट पिए, पानी तो मैं पीता ही नहीं हूँ, मतलब ये है कि इफ्तारी में सिर्फ तरबूज से करता हूँ। तो अभी अफ्तारी इसी से की है, दो घूंट पिए। रश इतना है, रास्ता मिल नहीं रहा, अभी इफ्तारी क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। तो देखते हैं आगे चल के, भूख तो अभी लग रही है और तरबूज हो जाता ना मज़ा आ जाता। अफ्तारी मेरी होती सिर्फ तरबूज के साथ है, बाकी यहाँ पे शारा फैसल पे रश इतना हो गया। हालांकि ये जो रोड है बहुत ही मतलब फास्ट है, और लेकिन रश का टाइम है, टाइम तो नहीं है अभी इफ्तारी का टाइम, बिल्कुल ये देखो ना इफ्तारी का टाइम है 6:59। देखें चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2000 years later। यार ये सब देख के आपको अंदाज़ा हो तो गया होगा कि हम कहाँ पे हैं अभी। आओ तुम आ जाओ, अंदर बैठती हो, आ जाओ इधर आ जाओ, बैठ जाओ, जब भी वीडियो बनाओ आ जाते हैं अंदर, कुत्तों का काम ही है। अच्छा यार तो अभी वहीं स्टेशन पे शूट चल रही है, 10 का टाइम है। वैसे तो चलनी थी तकरीबन ये 2 बजे तक 3 बजे तक, शहरी तक 5 बजे तक, और यहाँ पे स्टेशन वालों ने इजाज़त नहीं दी। और पता है यहाँ पे शूट करने का उन्होंने 2 से 2.5 लाख रुपए लिए नेट कैश। सुबह हम 5 बजे से आए और अभी 11 बजे वो कह रहे हैं कि भाई शूट का टाइम ही इतना है, इतने टाइम के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं ये। तो अभी ये है कि शूट चल रही है, अभी 10-11 बजे ख़त्म होगी, फिर यहाँ से निकलेंगे घर को 12 बजे, और देखते हैं फिर इसके बाद कल क्या होता है, परसों क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का, इधर उधर आगे पीछे सबका ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, मोहब्बत दें, प्यार मोहब्बत तो सही है, सब्सक्राइब करें बस। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you.